ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सर पित्रोदा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अमेरिकेमध्ये केलेल्या आरक्षण विरोधी वक्तव्याच्या निषेधार्थ भाजपाचे नेते व कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी चोपडा घोडेतील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या समोर आंदोलन केलंय। भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुरस्वानी, अर्चना करणकाळे, लता पगारे, लकीनाथांनी, सुमित मेहरोलिया यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते। आरक्षण संपवणे ही काँग्रेसची सुप्त इच्छाच आहे, राहुल गांधी यांनी ती व्यक्त केली असे टीकास्त्र यावेळी भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सोडले। देखिए, विषय ये है कि भारत की सम्मान को, भारत की प्रतिष्ठा को तार तार कर देने वाले राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे देश के सम्मान को, देश के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। हमने देखा नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उन्होंने हमेशा आरक्षण को लटकाए रखा, खासकर अनुसूचित जाति के आरक्षण को देने में हमेशा वह विलंब करते रहते थे। मंडल कमीशन का आयोग भी वीपी सिंह ने लागू किया, उसके बाद आज उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, अमेरिका में कह रहे हैं। तो इनका जो झूठा चेहरा था लोकसभा में, जो कह रहे थे कि संविधान की हम रक्षा करेंगे, सबसे ज़्यादा संविधान का बिगाड़ करने वाले इनका असली चेहरा सामने आ गया। न केवल इन्होंने यह बात करी, इन्होंने यह भी कहा कि जितने सिख भारत में बसते हैं वह कड़ा पहनने को डरते हैं, पगड़ी पहनने को डरते हैं। क्या मैं पूरे भारत के सिख समुदाय से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरा सिख जो समुदाय है वह हर जगह, उल्लासनगर में कम से कम 50 से 100 गुरुद्वारे होंगे और हर गुरुद्वारे में सिख अपनी पगड़ी पहन के जाता है, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन देश को तोड़ने का काम राहुल गांधी विदेश जाकर, अमेरिका में जाकर ऐसी बातें कहते हैं और उन लोगों के साथ मिलते हैं जो भारत के विरोध में हमेशा बात करते रहते हैं, चुन चुन के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। इसका अर्थ यह है, लगातार 3 बार कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने देश को तोड़ने और देश में दंगे हो, समाज में विषमता हो, ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोह और आरक्षण को खत्म करने वाले राहुल गांधी के लिए लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी रास्ते पर उतरती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र से प्रेम करने वाली है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया, सारे जितने सामान है, हथियार है, सब इंडिया में बनेंगे, पूरा विश्व परेशान हो गया है कि भारत विश्व का देश नंबर बनेगा, वही ताकतों के साथ, भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि पन्नू जो कि खालिस्तान का था, उसने राहुल गांधी के बयान को समर्थन किया है। इसीलिए हम जितने भी राष्ट्र प्रेमी भारतीय जनता पार्टी हैं, आरक्षण और संविधान की रक्षा करने के लिए आखिरी दम तक, हम अपनी आखिरी खून की बूंद तक हम पूरा बलिदान देंगे। लेकिन आरक्षण हमारे गरीबों का बरकरार रहेगा, उनको खत्म करने नहीं दिया जाएगा। चोपड़ा कोर्ट के पास बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के पदाधिकारी, ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर राहुल गांधी का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज देश को
यह खबर पड़ गई कि राहुल गांधी ने दोगली नीति, एक बार जब लोकसभा के चुनाव हैं तो झोपड़पट्टी एरिया में गली गली में जाकर के उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी के अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को ख़त्म करेंगे और आरक्षण रद्द करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा से जुड़ी हुई है और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी है। और यह जो उन्होंने कल अमेरिका में विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए यह बात कही है कि आने वाले समय में आरक्षण रद्द किया जाएगा, यह देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है। बाहर की ताकतों को साथ में लेने के लिए आरक्षण को रद्द करेंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए लोगों को गुमराह करेंगे। इस दोगली नीति का भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से निषेध करती है और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाकर आज पूरे देश के अंदर यह हम दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए राहुल गांधी वोटों के लिए दोगली नीति कर रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए दोगली नीति कर रहे हैं। तो लोगों ने जागृत होना चाहिए और ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंकना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, हमारी जनता जो उन्होंने झूठ बोलकर लोकसभा में मत प्राप्त किए हैं वो दिखा देगी कि कांग्रेस की औकात क्या है, राहुल गांधी की औकात क्या है। बाबा साहेब अम्बेडकर। भारतीय जनता पार्टी ने हे आंदोलन केले कारण भारत रत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलेले आहे अनुसूचित जाती ओबीसी जाती यांना आरक्षण बद्दल, त्या आरक्षणाच्या विरोधात जे गांधी परिवार घोषणा देऊन ते कॅन्सल करायचा प्रयत्न करतात त्याच्यामुळे त्यांचा धिक्कार करायचा आहे। कारण संविधान बदलण्याची ताकद कोणामध्येही नाही आहे आणि ते बदलण्याचा प्रकार राजीव गांधी जे करतायत त्याच्या राहुल गांधी जे करतायत त्यांचा धिक्कार असो त्याच्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने आंदोलन केलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।